अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे एनईडी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एडमिशन 2021 में आपको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद टेस्ट नंबर राउंड वन है और टेस्ट राउंड टू है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। टेस्ट राउंड वन भी कंप्लीट हो चुकी है, टेस्ट नंबर राउंड टू भी कंप्लीट हो चुका है। दोनों टेस्ट का जो रिजल्ट की है वो भी शो हो चुकी है, किस किस स्टूडेंट ने क्या स्कोर बनाया है। और इसमें बात करते हैं राउंड नंबर वन और राउंड नंबर टू। टेस्ट नंबर वन और टेस्ट नंबर टू में जिसमें ज्यादा आपका स्कोर होगा वही आपको डिपार्टमेंट के तहत वो ही काउंट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल तो आपका फर्स्ट जो स्कोर है वो कम है और सेकंड टेस्ट का स्कोर ज्यादा है तो आपका जो काउंट स्कोर सेकंड किया जाएगा, या आपका टेस्ट नंबर वन का स्कोर ज्यादा है टेस्ट नंबर टू का स्कोर कम है तो आपका जो काउंट स्कोर किया जाएगा वो टेस्ट नंबर वन का किया जाएगा। तो यहाँ पर आज जो बात करेंगे वो है अंडर ग्रेजुएट एडमिशन के लिए, जो आपने इंटर का जो रिजल्ट है वो अपलोड नहीं किया था वो रिजल्ट जो है वो आपको कहाँ पे अपलोड करना है, वो कब से अपलोड करना है। तो यहाँ पर नीचे न्यू अपडेट में जाओगे तो यहाँ पर दो नोटिफिकेशन इसके हैं, एक है अंडर ग्रेजुएशन फॉर एंट्री टेस्ट, हम इस पे क्लिक कर लेते हैं, ये हम ओपन करके देखेंगे कि इसने क्या है। तो यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट एडमिशन नोटिस है जिसमें लिखा हो ऑल दोज कैंडिडेट हु एचईसी आर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिजल्ट हैज बीन अनाउंस्ड आर डायरेक्टेड टू एंटर द एचईसी आर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन मार्क एंड अदर डिटेल टू एडमिशन पोर्टल। जिस स्टूडेंट एचईसी रिजल्ट अनाउंस हो चुकी है वो स्टूडेंट यहाँ पर एडमिशन पोर्टल जा करके अपना अकाउंट लॉगिन करके जो रिजल्ट है वो अपलोड कर सकते हैं अभी। और यहाँ पर स्टेप नंबर टू में दूसरा है जो यहाँ पर आपके सामने है नोटिस ऑफ है जिसमें लिखा हुआ है कि रिवाइज शेड्यूल ऑफ द एडमिशन 2021 विल बी डिस्प्लेड ऑन द एडमिशन वेबसाइट ऑफ एनईडी यूईटी आफ्टर एंड अनाउंसमेंट एचईसी बोर्ड। आपका जो यहाँ पर ये फर्स्ट नोटिफिकेशन है वो मैंने पहले पढ़ा, वो बाद का नोटिफिकेशन इसके। तो यहाँ पर ये है कि आपका जो एचईसी रिजल्ट जैसे अपलोड हो जाती है तो उसके बाद आपका जो एडमिशन में इंटर का ऑप्शन है वो अभी शो करवा जाएगा। और उसके बाद जैसे जो अभी ये भी नोटिफिकेशन आ गया है कि जैसे स्टूडेंट के रिजल्ट आ चुके हैं वो अपने पोर्टल पर जा करके अपने इंटर के रिजल्ट है वो अपलोड कर सकते हैं। वो रिजल्ट अपलोड करने में आपको कोई भी दिक्कत है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और यहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर एक दिया जाएगा वो ग्रुप आपको ज्वाइन कर लेना, वहां भी कोई भी आपको क्वेरीज आपको कोई भी कंफ्यूजन होगी तो उस ग्रुप में आकर के मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं, मैं उसी टाइम आपको रिप्लाई दूंगा। उससे अलावा यहाँ पर आकर के अभी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में आपके क्वेश्चन है तो वहां पर भी मैं उसी टाइम आपको रिप्लाई दूंगा। तो आज की वीडियो में ये दो चीजें थे जो आपको क्लियर करा ली है, इससे अलावा आपको कोई भी कंफ्यूजन होगी तो ये व्हाट्सएप नंबर और कमेंट सेक्शन दोनों में आपको मैं हेल्प करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।